नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल मनोज सिंह प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो हम लेके उपस्थित हुए हैं वो है आपका आरटीई एक्ट 2009 के तहत जो है जो हरियाणा राज्य में ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म के लिए बार बार कमेंट आ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल आपके हरियाणा स्टेट में जितने भी हैं वहाँ पे आरटीई के तहत फ्री एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए बार बार कमेंट ये आ रहे थे कि सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कहाँ जमा करना है। दूसरा कमेंट ये आ रहा था कि फॉर्म को कैसे भरें, ये भी सर आप बताइए। तो दोस्तों, आज इस विषय में मैं आज बात करने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो शुरू करें दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल और उपयोगी कंटेंट आपके लिए हमेशा लेके दोस्तों आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म कहां से लेना है और कहां जमा करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नोटिस जारी हुई थी वो नोटिस आपको देखना है अगर, तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ मिलने वाला, नोटिस भी बताऊँगा कि किस लाइन को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि प्रत्येक हरियाणा के जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला है वहाँ पे देखिए ऑफिस होते हैं ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। तो मैंने कई जगह बताया है कि बीएसए ऑफिस मिल जाएगा। बीएसए ऑफिस का फुल फॉर्म होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, एक तो वहाँ मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपका होता है खंड स्तर पर होता है खंड शिक्षा अधिकारी। खंड स्तर पर क्या होता है, खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और हिंदी में बोला जाता है दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी। तो देखिए ब्लॉक जो है एक जिले में कई हो सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बीएसए ऑफिस जो बेसिक शिक्षा अधिकारी वो जिले में एक होता है, लेकिन जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी वो जिले में दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं। कितना बड़ा जिला है, कितनी आबादी है उस जिले के अंदर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म आपका जो है यहीं से आपको लेना है, ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मिल जाएगा या तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मिल जाएगा। अगर दो जगह आप देख लीजिएगा, तीसरा जगह यहाँ पे भी आपका मिल सकता है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो फॉर्म बेचते हैं वहाँ पे भी आपका जो है दोस्तों फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि आपको नोटिस में कहाँ पढ़ना है, उसमें सीधा सीधा मेंशन है, आप उसको पूरा देखिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो हरियाणा राज्य की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे, वहाँ पे लिखा है मैनेटरिंग सेल, वहाँ पे लिखा खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मैनेटरिंग सेल का गठन किया जाएगा, जो कि कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बालकों के स्कूलों में आवेदन संबंधी प्रश्नों और शिकायतों का निवारण करेंगे। आपको सही से समझ में आ गया होगा, खंड शिक्षा अधिकारी जो होंगे वो आपका जो है जितने भी क्वेश्चन है उस पर निवारण करेंगे, आपका फॉर्म आपको देंगे भरने के लिए, फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे जमा करना, सारी जानकारी आपको जो है खंड शिक्षा अधिकारी देंगे, उनको नियमित रूप से जो है इसके लिए आदेश कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या है, करेंगे वह स्कूल वाइज ड्रा के माध्यम से चयनित सफल छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों जो लॉटरी निकाली जाएगी, ड्रा किया जाएगा, जिस बच्चे का नाम दोस्तों उसमें आएगा उसको चयनित करने और वहां पे एडमिशन दिलाने का सारा काम जो है खंड शिक्षा अधिकारी को दोस्तों दिया गया है। तो आप अपने जिले के जो आपका ब्लॉक लगता है ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप फॉर्म दोस्तों ले सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ये वीडियो जहाँ जहाँ मेरा हरियाणा में पहुँच रहा है, जिस भाई बहन मित्र दोस्त के पास आपके पास ऑफलाइन फॉर्म हो तो प्लीज़ मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि कमेंट ये आ रहा है कि सर फॉर्म भर के बताएं। तो दोस्तों फॉर्म भर के हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इनके जो है हरियाणा की जो साइड है आरटीई वाली, वहाँ पे कहीं पे ऑफलाइन फॉर्म उन्होंने अपलोड नहीं कर रखा साइट पे, तो वो फॉर्म हमें अभी तक मिल नहीं पाया दोस्तों, यही कारण रहा है कि हम आपको फॉर्म भर के नहीं बता पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी के पास फॉर्म उपलब्ध हो गया तो प्लीज़ मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जो व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं पूरा शेड्यूल से उसको बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना, कोई गलती ताकि आपसे ना हो। दोस्तों कई जगह के देखिए, कई जो है स्टेट के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों थे, तो जहाँ से हमें फॉर्म उपलब्ध हो जाता है वहाँ पे फॉर्म भर के बता देते हैं, चाहे ऑफलाइन हो
चाहे ऑनलाइन, तरीका सबका भरने का वही होता, बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसी में जो है पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और बाद में यही पूछा जाता है कि सर चेक करके बताइए फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा राज्य का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है, क्योंकि साइट पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ना ऑनलाइन आपका कोई ऑप्शन उपलब्ध है, वहाँ पे फॉर्म ऑफलाइन है। और इसलिए बता दिया गया कि फॉर्म आपका कहाँ पे जमा करना है। मैं एक बार और बता दूँ, ब्लॉक स्तर पे आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, या बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिले में एक ऑफिस होता है आप वहाँ पे भी दोस्तों जमा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल से दोस्तों बताने वाला हूँ। मेरा आज आने का सिर्फ मकसद यही था कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, आप जाके भर दीजिए, अभी भी दोस्तों डेट है, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म दोस्तों मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्म जरूर भेज दीजिए, ताकि जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त, जो पेरेंट्स बच्चों के पढ़े लिखे नहीं, उनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसको हम फॉर्म भर के बता दें, ताकि वो जो है उसको देख के सही से फॉर्म को दोस्तों भर पाएँ। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही एकदम 100% जो सही जानकारी होती है वो आप तक हम दोस्तों लेके उपलब्ध होते हैं। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।